नमस्कार किसान भाइयों बहनों, देख रहे हैं आप दूरदर्शन किसान। गांव किसान कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। गांव किसान कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से खेती किसानी हो, पशुपालन हो, इसके संबंधित जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। साथ ही आपकी मुलाकात भी करवाते हैं एक कामयाब किसान से, ताकि आप उनसे प्रेरित हो सकें, खेती किसानी में कुछ अलग कर सकें। हमेशा की तरह आज के हमारे इस अंक में भी हमारे तीनों सेगमेंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, जब भी बात आती है कृषि के क्षेत्र की, तो इसमें बदलाव के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं, ताकि हमारे पर्यावरण को स्वस्थ बनाया जा सके, देश की मिट्टी को भी मजबूत बनाया जा सके और साथ ही साथ हमारे किसानों की उन्नति हो सके, हमारे किसानों की जो आय है उसमें वृद्धि हो सके। बता दें, इसी दिशा में एक प्रणाली की शुरुआत की गई है जिसे नाम दिया गया है अक्षय कृषि। जी हाँ, अक्षय कृषि परिवार द्वारा इस प्रणाली की शुरुआत की गई है, जिससे आप जान सकते हैं कि हमारे देश की मिट्टी को हम स्वस्थ कैसे बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर मिट्टी स्वस्थ होगी तो हमें अच्छी गुणवत्ता वाली उपज भी मिलेगी, लागत में भी कमी आएगी। तो क्या है ये अक्षय कृषि, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट खेती किसानी में। ऋग्वेद में कहा गया है, कृषि मित कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमन्य मानः, अर्थात कृषि करो और सम्मान के साथ धन अर्जित करो। ये शब्द किसानों के लिए कितने सुखद हैं। कृषि शुरू से ही हमारी सभ्यता की समृद्धि का प्रतीक रही है, जिससे धरती का, मानव जीवन का और धरा पर रहने वाले सूक्ष्म जीवों का पोषण होता आया है। लेकिन खेती की कुछ बदलती तकनीकों ने प्राकृतिक खेती को हाशिए पर ला दिया है। एक बार फिर हमें जागरूक होने की जरूरत है, प्राकृतिक खेती के महत्व को समझने की जरूरत है, और इसके लिए सबसे पहला कदम है लोगों में जन चेतना लाना। इन्हीं उद्देश्यों को पाने के लिए अक्षय कृषि अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत 2 मई को उपराष्ट्रपति जी ने नई दिल्ली में अपने निवास पर अक्षय कृषि परिवार द्वारा भूमि सुपोषण और संरक्षण पर चलाए गए राष्ट्रव्यापी अभियान पर आधारित पुस्तक भूमि सुपोषण का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास विषयों से संबंधित प्रकाशनों का अनुवाद हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में होना चाहिए, जिससे आम किसान उनसे लाभान्वित हो सके। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि देश के एक बड़े भाग में, विशेषकर पश्चिमी और दक्कन के क्षेत्र में, मिट्टी के सूख कर रेतीली बनना गंभीर चिंता व्यक्त का विषय है। एक अनुमान के अनुसार हर साल प्रति हेक्टेयर 15 टन मिट्टी नष्ट हो रही है। इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि भूमि के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, उसे फिर से स्वस्थ बनाया जाए। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के अधिक प्रयोग से मिट्टी विषाक्त हो जाती है और उसके अंदर के उपजाऊ जैविक तत्व समाप्त हो जाते हैं। देश के अधिकांश राज्यों में ज्यादातर भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, साथ ही फसलों की सिंचाई के लिए भूजल का निर्बाध दोहन हो रहा है। भूजल का स्तर नीचे आ गया है और मिट्टी की नमी कम हो गई है, जिससे उसके जैविक अवयव समाप्त हो रहे हैं। नमी और सूक्ष्म जैविक पदार्थों की कमी के कारण मिट्टी रेत में बदल रही है। ऐसे में मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक जैविक खेती आशा की नई किरण है। पारंपरिक ज्ञान के आधार पर स्थानीय संसाधनों जैसे गोबर, गौमूत्र आदि की सहायता से न केवल कृषि की बढ़ती लागत को कम किया जा सकता है, बल्कि भूमि की जैविक संरचना को बचाया जा सकता है। विगत वर्ष 2021 में भूमि के स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए किया गया आपका यह अभियान सर्वदा अभिनंदनीय है। मुझे यह जानकर विशेष संतोष है कि आपके इस अभियान में 33 राष्ट्रीय संगठन भी जुड़े, अपने देश के 20 राज्यों में लगभग 18,000 स्थानों तक पहुंचकर वह इस महत्वपूर्ण विषय पर जागरूकता पैदा की। राष्ट्र हित में आपके प्रयास सफल हो, मेरी हार्दिक शुभकामना। देश के एक बड़ा भाग में, विशेषकर पश्चिमी और दक्षिण क्षेत्र में, मिट्टी सूख कर रेतली बन रही है। फसलों की सिंचाई के लिए भूजल का निर्बाध दोहन हो रहा है, भूजल का स्तर नीचे आ गया है और मिट्टी की समी कम हो गई है, जिससे उसके जैविक अवयव समाप्त हो रहा है। नमी और सूक्ष्म जैविक
पदार्थों का कमी के कारण मिट्टी रेत में बदल रही है। कृषि में रसायनों का प्रयोग से भूमि पर दुष्प्रभाव एक वैश्विक समस्या है, इट इज यूनिवर्सल प्रॉब्लम। एक अनुमान के अनुसार विश्व भर में अगले 20 वर्षों में अनाज की पैदावार 40% कम हो चुकी होगी और आबादी लगभग 10 बिलियन तक बढ़ चुकी होगी। भारत भी इस आपदा से अछूता ना रहेगा। दिस इज ए रियल वार्निंग टू ऑल ऑफ अस। इसलिए आवश्यक है कि भूमि के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, उसे पुनः स्वस्थ बनाया जाए। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के नगण प्रयोग से मिट्टी विषाक्त हो जाती है, उसके अंदर के उपजाऊ जैविक तत्व समाप्त हो जाते हैं। मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक जैविक खेती आशा की नई किरण है। पारंपरिक ज्ञान के आधार पर स्थानीय संसाधनों जैसे गोबर, गोमूत्र आदि की सहायता से न केवल कृषि की बढ़ती लागत को कम किया जा सकता है, बल्कि भूमि के जैविक संरचनाओं को बचाई जा सकते हैं। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने आग्रह किया कि कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि अनुसंधान संस्थानों के पाठ्यक्रमों में प्राकृतिक जैविक खेती को शामिल किया जाए। हमारा संस्कृति, हमारा संस्कार सभी सदियों तक कृषि केंद्रित रहा है। भारतीय शास्त्र में कहा गया है, जीव जीवनम कृषि, अर्थात जीव का जीवन ही कृषि पर आधारित है। कृषि हमारा संस्कृति प्रकृति से अलग नहीं हो सकती। भारतीय परंपरा में कृषि और ग्रामीण व्यवस्था के ऊपर प्रामाणिक ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जैसे पराशर कृति कृषि पराशर, पराशर तंत्र, सुरपाल कृत वृक्षायुर्वेद, मलयालम में परशुराम कृत कृषि गीता, सारंगधर की लिखी उपवन विनोद आदि। मैं अपेक्षा करता हूँ कि कृषि शोध संस्थान प्राकृत कृषि के लिए इन ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करेंगे और किसानों को हमारी प्राचीन पद्धतियों से परिचित कराएंगे। कृषि विश्वविद्यालय जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को अपने पाठ्यक्रमों में शामिल करें और कृषि क्षेत्र में इनोवेशन और उद्यमिता को प्रोत्साहित करें। सतत और स्थायी विकास के लिए प्राकृतिक कृषि जरूरी है। प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के सकारात्मक प्रयासों से जुड़े मनोज सोलंकी जी का कहना है कि हम अपने इस प्रयास और पुस्तक के माध्यम से ज्यादा किसानों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे धरती को बड़े पैमाने पर संभालने की जिम्मेदारी उठाई जाए। भारतीय कृषि का मूल जो चिंतन है, उस चिंतन को आधार को लेके जो प्राकृतिक कृषि पूरे देश में बढ़ोतरी हो, उसके लिए अक्षय कृषि परिवार जो कार्य कर रहा है, उसका एक भाग रूप आज भूमि सुपोषण एवं संरक्षण अभियान का ये एक विशेष सांग का जो विमोचन है वो आज हुआ है। और इस विशेषांक में भारत का जो भूमि के प्रति जो समझ है वो, और किसानों की जो प्राकृतिक खेती की जो समझ है वो, जो प्रकृति के आधार से है, उस सब को सम्मिलित करते हुए पूरा बुक का लेखन हुआ है। और लेखन के आधार से ये बुक है, ये विषय को पूरे भारत में प्रारंभ होगा। और ये बुक का जो कंटेंट है वो कई लोगों के इस कार्य को आगे ले जाने के लिए कार्य आएगा, काम में आएगा। और जो कृषक जो इस कृषि करना चाहते हैं उसको भी इसमें से काफ़ी मार्गदर्शन मिलेगा। और आने वाले समय में प्राकृतिक कृषि आगे ले जाने के लिए जो कई साइंटिस्ट, कृषक साइंटिस्ट सब लगे हैं, उसको एक बल मिलेगा और ये विषय धीरे धीरे आगे बढ़े, उसके लिए ये भूमि, ये जो पुस्तक का जो विमोचन हुआ है वो काफ़ी प्रभावशाली रहेगा। अक्षय कृषि परिवार की ओर से भूमि सुपोषण विशेषांक का विमोचन माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री वेंकैया नायडू जी के कर कमलों द्वारा यहाँ पर किया गया है। उपराष्ट्रपति भवन में यह कार्यक्रम दिल्ली में संपन्न हुआ।
इस कार्यक्रम में आदरणीय कृषि मंत्री जी, पूज्य स्वामी काड़ा सिद्धेश्वर जी, मनोज भाई सोलंकी और माननीय भागैया जी उपस्थित थे। यह विशेषांक की कल्पना गत 5 वर्ष से चल रहे प्रयासों के फलस्वरूप यह विशेषांक की निर्मिति हुई है। सर्वप्रथम अक्षय कृषि परिवार ने विभिन्न लोगों के, मुख्यतः किसानों के, जो प्राकृतिक कृषि के साथ कार्य कर रहे हैं, ऐसे किसानों के अनुभवों के प्रलेखन का कार्य प्रारंभ किया। साथ साथ में प्राकृतिक कृषि से जुड़े वैज्ञानिक, सामाजिक संस्थाएं, शोधकर्ता, ऐसे सभी लोगों के साथ भारत में वार्तालाप किया। इस वार्तालाप में जो ध्यान में आया कि भारत में कृषि भूमि का क्षरण अत्यंत तेज गति से हो रहा है, इसको ध्यान में रखकर भूमि सुपोषण एवं संरक्षण जन अभियान किया गया और उस जन अभियान के अगला चरण यह भूमि सुपोषण का विशेषांक निर्मिति यह हुआ। इस विशेषांक में 17 आर्टिकल्स समाहित किए गए हैं। आज विद्यमान में भूमि को से लेकर जो एक सॉइल की संकल्पना प्रस्तुत की गई है, हम लोग भूमि के एक समग्र संकल्पना को इस बार चर्चा में लाना प्रारंभ करना चाहते हैं। भूमि सुपोषण यह एक समग्र संकल्पना है। इसको हम लोगों ने भारत के अथर्ववेद के भूमि सूक्त से लेकर विभिन्न संस्थाओं द्वारा चल रहे प्रयासों का सम्मेलन इसमें किया गया है। हमारा परंपरागत ज्ञान, हमारे कृषकों के पास जो मौखिक ज्ञान की परंपरा है, वो भारत के उत्सव और त्यौहार, भारत के देशज बीज, भारत के बैल आधारित यंत्र, ऐसे समग्र लोगों, समग्र विषयों को सम्मिलित करते हुए यह विशेषांक की निर्मिति की गई है। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है, कितने चिड़चिड़े हो गए हो। बेटा टीवी है उसको, टीवी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है। अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे। मुझे लोग नहीं, मम्मी। अरे क्या अर्जुन, अर्जुन बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सर पर समझ नहीं पा रहा था। अपनों का जोड़ है टीवी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीवी के इलाज में अपनों का साथ दें। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का हमारा पशुधन सेगमेंट में, जिसमें हम आपको क्या बताते हैं, पशुपालन से संबंधित कुछ अहम बातें। आज के हमारे सेगमेंट में हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे जो दुधारू पशु हैं, वो भी खास तौर पर हम यहाँ पर गायों की बात कर रहे हैं। गायों से हम दूध तो हासिल करते ही हैं, साथ ही साथ अगर हम प्रसंस्करण कर लें तो दही, पनीर, खोया वगैरह भी मिल जाता है। लेकिन आपको बता दें कि गाय पालन अगर हम करते हैं तो कई अन्य चीज़ें भी हमें मिल सकती हैं। गौमूत्र मिलता है जिससे हम अमृत मिट्टी बना सकते हैं, पंचगव्य बना सकते हैं, गाय के गोबर का भी कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गायों का इस्तेमाल केवल दूध के लिए ही नहीं, अन्य उत्पादों के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन आपको इसमें सही तरीके की ज़रूरत है, सही तरह से प्रबंधन करने की ज़रूरत है। किस तरह से आपके लिए ये लाभकारी साबित हो सकता है, आइए जानते हैं। पशुपालन शुरू से ही किसानों की समृद्धि का प्रतीक रहा है। पहले के समय में जिसके पास जितने ज्यादा पशु, वो उतना बड़ा किसान या पशुपालक माना जाता था। हालांकि आज तस्वीर कुछ अलग है। आज समृद्धि का आकलन पशु की नस्ल से होता है। समय के साथ पशुपालन के तौर तरीके बदल रहे हैं। किसान कम पशुधन में भी बेहतर मुनाफा कमाने के तरीके आजमा रहे हैं। बेहतर उत्पादन के लिए पशु के आहार, आवास से लेकर उन्हें सही चिकित्सा व्यवस्था दी जा रही है, क्योंकि अब दुधारू पशु केवल दूध के लिए नहीं है, बल्कि दूध से बने उत्पाद जैसे घी, मक्खन, दही, पनीर, खोया, मिल्क पाउडर बनाकर अच्छा लाभ ले रहे हैं।
पशुपालन क्षेत्र में अगर देखते हैं तो नॉर्मल हम जब बात करते हैं, आय की बात करते हैं, वो नॉर्मल उत्पाद जो होता है, जैसे दूध होता है, जैसे अंडे होते हैं, अगर मुर्गी रखते हैं तो अंडे होते हैं, और मुर्गियों से भी मांस का उत्पादन हो सकता है और भेड़ बकरियों से भी मांस का उत्पादन होता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, ये तो नॉर्मल आपका इनकम पे आ जाता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो वैल्यू एडिशन का भी एक चीज़ होता है। जैसे हम नॉर्मल दूध बेचते हैं, वो अगर 40 या 50 रुपए में बेच रहे हैं, पर अगर उस दूध से हम पनीर बना लेते हैं या घी बना लेते हैं या खोआ बना लेते हैं या इवन दही बना लेते हैं या श्रीखंड बना लेते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा इनकम बढ़ जाती है, जो कि भारत सरकार की कुछ योजनाएं के तहत इसका भी जिक्र किया गया है। जैसे हम देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एक स्कीम भारत सरकार चला रही है जो कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत ये स्कीम है। तो उसमें ये दिया जाता है, कोई अगर फार्मर हो या फार्मर इंडिविजुअल फार्मर हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से हो, SHG से हो या ग्रुप 8 के कंपनीज हो, तो ये सारे चीज़ें हैं, अगर इन कैटेगरीज में होते हैं और वो अप्लाई करना चाहते हैं डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, जैसे वो खोआ बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं या उसके साथ दही या और डेयरी प्रोसेसिंग आइसक्रीम बना सकते हैं। साथ ही इनके गोबर और मूत्र से जैविक खाद और कीटनाशक बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा कई संस्थाएं गोबर का इस्तेमाल कई तरह की सजावटी चीजें बनाने में कर रही हैं, जिसने मुनाफे को कई गुना कर दिया है। वहीं अन्य पशुओं जैसे भेड़ बकरी को, जिन्हें मांस के लिए पाला जाता था, इनसे मिलने वाले मांस को प्रोसेस करके भी अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। इस तरह के कदम में सरकार भी सहयोग कर रही है। मीट एंड मीट प्रोसेसिंग की बात करें, जैसे हम नॉर्मल मांस खाते हैं, मांस के साथ अगर वो कुछ एडेड प्रोडक्ट्स बना सकते, जैसे सॉसेज हो गया, नगेट्स हो गए, अगर ये सब बना सकते हैं उसके लिए, वो प्रोसेसिंग के लिए भी इस स्कीम के तहत प्रोविजन रखा गया है। कोई भी अगर उद्यमी इससे इस स्कीम के जरिए जुड़ता है तो उसको जो भी लोन कंपोनेंट है, वो लोन कंपोनेंट पे हम भारत सरकार की तरफ से 3% की छूट देते हैं। इस तरह किसान पशुपालन में संभावनाओं को पहचान कर सही दिशा में प्रयास करके बेहतर लाभ कमा सकते हैं। वक्त है नजर डालने का हमारे पशुपालक कैलेंडर पर। तो वर्तमान समय में किस तरह के प्रबंधन कार्य आपको करने हैं जिससे आपके पशु स्वस्थ रह सके, जानने के लिए आइए नजर डालें इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। अधिक गर्मी से पशुओं में लू लगना, जल एवं लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पशुओं को धूप व लू से बचाने के उपाय करें। गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें एवं पानी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखें। पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए इसके लिए लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दे या पानी में मिलाकर दे। दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे इसके लिए पशु को संतुलित आहार दें। पशुओं के आहार में गेहूं का चोकर और जौ की मात्रा बढ़ाएं। इस माह में भेड़ के ऊन कतरने का काम कर लें। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। अन्नदाताओं का नया साथी, मिनटों में खेतों में छिड़काव, खेत के कोने कोने पर नजर, घंटों का काम सेकंडों में, कमाल का आविष्कार, देखिए नए भारत का बढ़ता किसान 7 मई शनिवार रात 8 बजे सिर्फ DD किसान पर। आग बरसाता आसमान और आफत में बेजुबान, भीषण गर्मी और जोखिम में पशु की जान, लू लगने से कहीं पशु ना हो जाए कमजोर, कैसा हो प्रबंधन करें इस बात पे गौर। देखिए
पशुओं में हीट स्ट्रेस, लक्षण और बचाव। अपना पशु चिकित्सक में इस रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कामयाब किसान की दास्तान का, यानी कि मुलाकात करवाने का हमारे सफल किसान से। खेती किसानी के क्षेत्र में किसान भाइयों बहनों, प्रतिदिन कुछ नया हो रहा है, हमारे किसान कुछ अलग कर रहे हैं, युवा भी खेती किसानी की ओर अपना रुझान बढ़ा रहे हैं और अपनी कड़ी मेहनत से बता दें आपको सफल भी हो रहे हैं। आज के हमारे सफल किसान भी कुछ ऐसे ही हैं। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं कैसा रहा है इनका कामयाबी का सफर। कुछ उत्पाद उस स्थान की पहचान बन जाते हैं जहां वो पैदा किए जाते हैं और उनमें मौजूद पोषक तत्व उन्हें हमारे आहार का हिस्सा बना देते हैं। लेकिन देश के हर कोने में इस तरह के उत्पाद आसानी से मिल सके और किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिल सके, इसके लिए युवा वर्ग आगे आ रहा है और अपने छोटे छोटे उद्यमों से अन्य सारी बाधाओं को दूर कर रहा है। ऐसे ही एक उद्यमी से हमारी मुलाकात हुई दिल्ली के आहार मेले में, जहां वो अमल फार्म के नाम से कई उत्पाद बेच रहे हैं, जिसमें जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग यानी GI टैग पा चुकी उपज भी शामिल है। उनके उत्पादों की लिस्ट तो वैसे लंबी है, लेकिन उनमें खास है काला नमक चावल, मिथिलांचल मखाना, काजू, मसाले, दालें, सत्तू। किसानों को साथ जुड़ के काम करते हैं, किसानों के साथ जुड़ के हम लोग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रोडक्ट पे काम करते हैं। कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रोडक्ट यानी कि अतुल्य भारत का अमूल्य निधि, जिसमें हम लोग गोविंद भोग राइस, काला नमक राइस, कतरनी राइस, बेंगुरला कैस्यू, मिथिलांचल मखाना, वैगांव टर्मरिक, ये सब चीज़ों पर काम करते हैं। आज शुद्ध खाना किसी को मिलना दुश्वार है, इसीलिए हम लोग किसानों के साथ मिलके ऑथेंटिक और ओरिजिनल प्रोडक्ट हम लोग डायरेक्ट कंज्यूमर के पास पहुंचाते हैं। भास्कर बताते हैं कि उनके उत्पादों की पैकिंग में एक खास बात है और वो ये है कि हर उत्पाद के पैकेट के पीछे एक QR कोड दिया गया है, जिसको स्कैन करने से उत्पाद के बारे में ये जानकारी मिल जाती है। किसान का नाम, उत्पाद किस स्थान का है, फसल के बारे में जानकारी। अमल फार्म की इस पहल से हम उन किसानों को भी जान पाएंगे जो खेत में पसीना बहाकर उन फसलों को बनाए रख रहे हैं, जो खास पहचान बन चुके हैं। अमल फार्म हम लोगों का प्रोडक्ट का एश्योरेंस यही है कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट जब किसानों से लाते हैं और कंज्यूमर के पास पहुंचाते हैं, हर प्रोडक्ट के पीछे एक QR कोड होती है, जो कि QR कोड स्कैन करने पर ये किसानों को नाम, कौन सा लोकेशन और वो क्रॉप, वो फसल का डिटेल्स और ये लैब टेस्ट रिपोर्ट आपको इस तरह से आते हैं, ताकि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रोडक्ट बंगाल गोविंद भोग राइस, काला नमक राइस, कतरनी राइस, मिथिलांचल मखाना, ये सब चीज़ें, तमाम चीज़ें आपको जहाँ से मिलते हैं उसका हम लोग किसानों से आपको डायरेक्ट पुष्टि करवाते हैं कि हम कहाँ से ला रहे हैं, और ये सारे प्रोडक्ट का लैब रिपोर्ट टेस्ट करके हम लोग उसी QR कोड में डालते हैं ताकि आप देख सकें। आज का युवा डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करके अपने उत्पाद को सुलभ बाजार उपलब्ध करा पा रहे हैं। ऐसे में अमल फार्म से प्रेरणा लेकर किसान और युवा वर्ग दोनों लाभ ले सकते हैं। हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान, उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होंगी। साथ ही एक और विशेष जानकारी आपको दे दें, दोबारा हमारे कार्यक्रम देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल के जरिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और दोबारा ये कार्यक्रम देखकर पुनः ये जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।